वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में। सबसे पहले इस कोर्स के बारे में कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको स्टार्ट करने से पहले। ये कोर्स उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ एक दो घंटे में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं कि हाँ बस थोड़ा सा हमें ट्रेंड पता चल गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया और अब हम पैसे कमाने के लिए तैयार हैं। ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डीपली टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करना चाहते हैं और कोर्स के एंड पर एक एक्सपर्ट के तरीके से निकलना चाहते हैं कि उसके बाद वो चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस पर वीडियो बना सके, वो लोगों को एडवाइस दे सके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, रेदर देन लोगों की वीडियो देखें कि अब कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं, क्या है टेक्निकल एनालिसिस ये वो। इस वीडियो में हम एक टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या है, क्या एजम्पशंस है टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा डिले करे बिना, क्योंकि काफ़ी सारा डाटा है कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे इस लेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। सेकेंड हम सीखेंगे कि ट्रेंड इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। थर्डली हम इसमें सीखने वाले हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे ट्रेंड्स हमारे क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के बिलीव्स क्या हैं, कि क्या क्या एजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस के, टेक्निकल एनालिसिस मार्केट्स के बारे में क्या सोचता है जिसके बेसिस पे सारी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी बनी है। और फिर हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में एक टर्म आती है फ्रैक्टल नेचर, कि जो सारे ट्रेंड्स हैं लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में सेम रहते हैं, वो फ्रैक्टल नेचर के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस कोर्स में रहने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने से पहले कि टेक्निकल एनालिसिस की जो सबसे मेन एजम्पशन है वो क्या है। एंड टेक्निकल एनालिसिस की सबसे मेन एजम्पशन ये है कि जो हमारी मार्केट्स हैं वो एक फ्रीली ट्रेडेड मार्केट है और वो एक ट्रेंड में चलती हैं। सबसे मेन मतलब ये है कि जो भी हमारी फ्रीली ट्रेडेड मार्केट होंगी वो हमेशा एक ट्रेंड में रहेंगी, कि अगर ऊपर जा रही हैं फॉर एजम्पशन कि मान लीजिए अगर हमारा स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो ऊपर ही जाता रहेगा, नीचे जाना स्टार्ट होता है तो नीचे ही जाता रहेगा, एंड अगर ऐसे बस ऐसे ही मूव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो इस ही जोन में रहे, बेसिकली ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाए ना बहुत ज़्यादा नीचे जाए। इसे कहते हैं हमारा ट्रेंड में रहना। इसके ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड क्या होता है एंड फ्रीली ट्रेडेड मार्केट क्या होती है, वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए तो फ्रीली ट्रेडेड मार्केट बस ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ को खरीदना चाहें, बाय करना चाहें या सेल करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से उसे बाय या सेल कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस प्राइस पे चाहें उस प्राइस पे बाय या सेल कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई सेलर है जो उसे बेचने के लिए तैयार हैं और आप बायर हैं जो उसे बाय करने के लिए तैयार हैं, तो आप उस ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा हो, चाहे वो किसी रेगुलेटरी बेसिकली किसी भी संस्था द्वारा, कोई भी बेसिकली रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, बेसिकली क्या ही रीज़न है टेक्निकल एनालिसिस हमारा करने का, क्या बेनिफिट, हम क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। तो जो एक लौता बेनिफिट है जो सारे लोग लेना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, वो ये है बाय एट लो प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड एंड सेल एट अ हाई प्राइस एट द एंड ऑफ इट। मतलब क्या है, मतलब इसमें ये है सिंपल सा कि मान लीजिए ये एक ट्रेंड था, ये एक ट्रेंड है मार्केट का, तो हम इसमें चाहते हैं कि जब ट्रेंड ये स्टार्ट होने वाला है मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो हम इसके स्टार्ट पे बाय करें एंड जब ये ट्रेंड एंड होने वाला है तो उस पर हम सेल कर दें। बेसिकली प्राइस के बढ़ने से हम पैसा कमाएं, या तो अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हम ऊपर की पोजिशन पर बेचें एंड जब प्राइस नीचे आ जाए तो उस पर हम उसे खरीद लें। दैट्स इट, मतलब ट्रेंड के स्टार्ट पे हम अपनी पोजीशन ले एंड ट्रेंड के एंड पे हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दें। ये है पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस का सिद्धांत, जिसकी हम पूरे के पूरे कोर्स में ट्राई करेंगे उसे बेस्ट से बेस्ट करने की। सुनने में बहुत आसान लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड हमें दिख रहा है एंड बड़ी आसानी से हमने ट्रेंड के बारे में जान लिया, सुनने में सारी चीज़ें बहुत आसान है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें बस सुनने में ही आसान है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये जानना कि ट्रेंड की लेंथ कितनी होने वाली है, कितना लंबा होने वाला है ये ट्रेंड, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि ट्रेंड क्या ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड की लेंथ देखना क्यों मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपको ये जो चार्ट है ये बस यहीं तक दिख रहा होता,
तो यहाँ पे अगर आप बाय करते एंड अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते एंड उसके बाद एकदम से जब आप ये डाउनफॉल देखते तो हो सकता है आपको लगता है कि ट्रेंड ये जो है वो ट्रेंड एंड हो चुका है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है, ट्रेंड हमारा एंड नहीं हुआ है और उसके बाद भी मार्केट्स काफ़ी ऊपर जाती हैं। तो ये डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ट्रेंड बेसिकली यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है या यहाँ पे ट्रेंड हमारा एंड हो गया है। तो ट्रेंड की लेंथ जानना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इन मामलों में। सेकेंड ये हो जाता है कि ट्रेंड क्या है, मतलब बेसिकली ये अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, किस टाइप का ट्रेंड है ये, तो वो जानना क्यों मुश्किल है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गई थी, तो हो सकता है मार्केट्स जब यहाँ आती तब भी आपको लग रहा होता कि मार्केट्स यहाँ से वापस नीचे जाएंगी या इसी जोन में रहेंगी, बट उसके बाद मार्केट्स ने एक अप ट्रेंड दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो डिफाइन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाने वाली हैं या फिर इसी एक जोन में रहेंगी या फिर नीचे जाएंगी। तो दो बेसिकली डिफ़िकल्टीज़ हैं ट्रेंड की लेंथ को पता करना और सबसे पहले ट्रेंड कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा या बस ऐसे रहेगा, ये कुछ मेजर डिफिकल्टीज में से एक है टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम आगे देखते हैं तो बहुत अच्छा फीचर टेक्निकल एनालिसिस का ये है कि चाहे हम लॉन्ग टर्म में डील कर रहे हों या हम शॉर्ट टर्म में डील कर रहे हों, हमारे टेक्निकल एनालिसिस के जो सारे प्रिंसिपल हैं वो सेम रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। कुछ भी नया आपको नहीं सीखना पड़ेगा इसमें एंड सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स आप शॉर्ट टर्म के लिए सीखेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए सीखेंगे वो दोनों ही केसेस में अप्लाई हो जाएंगे। जो आप बेसिकली आप कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए या अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, बस डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव पे, आप कितना जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस कितनी है एंड आपके पास टाइम कितना है मार्केट को देने के लिए। अगर आप मान लीजिए अगर आप 5 मिनट चार्ट देख रहे हैं, अगर आप 5 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं तो आपको मार्केट को लगातार वॉच करते रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके बाद मैं अपने काम पे चला जाऊं और फिर आके मार्केट्स को देख लूं मैं कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। अगर आप 5 मिनट्स चार्ट देख रहे हैं डेली बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली अपनी स्क्रीन के आगे ही रहना पड़ेगा। अगर बट हो सकता है कि अगर आप मंथली चार्ट देख रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली अपनी स्क्रीन के आगे ना रहना पड़े। तो टाइम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि लोगों के पास टाइम कितना है, पर्सनल प्रेफरेंस कितनी है और ऑब्जेक्टिविटी क्या है। अगर मैं इन्वेस्टिंग पे लेना चाहता हूं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो हो सकता है मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा हूं तो उसके लिए मैं हो सकता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूं, बट मोर और लेस टेक्निकल एनालिसिस के सारे प्रिंसिपल सेम रहेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं थोड़े से एग्जांपल लूं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और ट्रेंड्स वगैरह क्या होते हैं, तो अगर आपने देखा हो कि बिजनेस साइकिल्स, अगर आपने किसी भी स्टील कंपनी को देखा हो तो आपको पता चलेगा कि जो स्टील कंपनी है, स्टील कंपनीज का चार्ट कुछ कुछ ऐसा चलता है। तो उसमें बिजनेस साइकिल होती है, कभी बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करता है, फिर लॉस में आता है, फिर प्रॉफिट करता है, फिर लॉस में आता है। ये जनरली 2 से 3 साल की साइकिल्स रहती हैं हमारी, जो हमारी स्टील इंडस्ट्री में रहती हैं बेसिकली। यहाँ पे 2 से 3 साल की साइकिल्स रहती हैं हमारी स्टील इंडस्ट्री में। तो अगर मैं बिजनेस साइकिल्स को एनालाइज कर रहा हूँ, मान लीजिए इस 6 साल के पीरियड को, 3 साल में ऊपर गया 3 साल में नीचे गया, अगर मैं इस 6 साल के पीरियड को एनालाइज कर रहा हूँ तो मेरे लिए मंथली चार्ट्स देखना ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 मिनट्स चार्ट देखूँगा तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊँगा इस ट्रेंड के बारे में। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म चार्ट का एग्जांपल हो गया बेसिकली। फिर कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आने वाली है तो आप उसमें एक बाइंग पोजिशन लेना चाहते हैं, तो कंपनीज की अर्निंग्स अच्छे आने वाली है उसके लिए बाइंग पोजीशन लेना चाहते हैं। मान लीजिए उसका स्टॉक कुछ कुछ ऐसे मूव कर रहा है तो हो सकता है आप मान लीजिए 1 महीना पहले उस स्टॉक को बाय कर लें। तो आप इसमें वीकली चार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ ही महीनों की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो मैं वीकली चार्ट भी देख सकता हूँ। ये हमारी बात हो जाएगी फ्यू मंथ
मीडियम टर्म ट्रेंड की हमारी ये बात हो जाती है, और फिर आता है हमारा इंट्रा डे ट्रेंड। इंट्रा डे ट्रेंड का मतलब हमारा ये हो जाएगा कुछ नहीं कि भाई फटाफट चार्ट ऊपर नीचे जा रहे हैं एक ही दिन के अंदर अंदर। ये हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में आ जाता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड का एक एग्जाम्पल लेना है तो इंट्रा डे ट्रेंड उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है कि हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है, बट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज वेरी 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 डिफिकल्ट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूँगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किसी भी साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं कि जो लोगों ने ऑलरेडी काम कर रखा है उसे पढ़ना बहुत आसान है, बट अपना नया काम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूँ, आप इस पूरे चार्ट को एकदम से ना देखें, आप एक एक करके चलें इस पूरे चार्ट में। इमेजिन करिए आप अभी इस पॉइंट पे हैं एंड इस पॉइंट से इस चार्ट ने डाउनफॉल लेना स्टार्ट करा। ठीक है, यहाँ पे हम एक मिनिमम पे आ चुके हैं अब। ओके, यहाँ से मिनिमम से जब हम वापस ऊपर बढ़ रहे हैं तो चार्ट ने फिर एक पीक बनाया, बेसिकली चार्ट थोड़ा सा ऊपर उठा एंड यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाय कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम बाय करें उसके बाद हमारा बेसिकली पोजीशंस थोड़ी ऊपर गई, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वाओ यार हमारी बेट बहुत अच्छी निकल गई है, हुर्रे हुर्रे, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है। बट उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक ने वापस एक डाउन टर्न ले लिया है। तो जब स्टॉक ने वापस ये एक डाउन टर्न ले लिया है तो अब हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा लेवल है वो हमारी बाइंग के लेवल से भी कम है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता था। क्या हो सकता था? हमारा लॉस हो सकता था। तो हमने बेसिकली अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा अर्ली एग्जीक्यूट कर दी थी। यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड, हमें अपनी ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी चाहिए थी, वो हमारे लिए सबसे लोएस्ट प्राइस होता। उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जब शेयर प्राइस यहाँ गया और यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करा तो हमने सोचा भाई यहाँ पे अपनी पोजिशन को सेल कर देते हैं। बट अगर मैं अपनी पोजिशन यहाँ पर सेल कर देता तो हम देखते हैं इसके बाद शेयर प्राइस यहाँ भी गया है और इसके बाद शेयर प्राइस यहाँ भी गया है। तो मैं अपना जो बेसिकली ये जो मेरा का सारा प्रॉफिट होता, मेरा जो मेरा ये सारा का सारा प्रॉफिट होता, वो सारे के सारे प्रॉफिट होने के चांसेस मैंने कहीं ना कहीं गवा दिए हैं जस्ट बिकॉज कि मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट कर दी थी। इसके कारण मैंने मेरे सारे प्रॉफिट्स होने के चांसेस गवा दिए हैं यहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ पर सेल करता और यहाँ पर बाय करता तो मेरे लिए एक ये आइडियल सिचुएशन हो जाती, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होती है एंड मैं अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो भी है मेरे, मैं यहाँ पे अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा पाता। अगर पर मैं यहाँ से भी रुक जाता इस होप में कि चलो यार स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा गिरा है वापस ऊपर उठ जाएगा, बट यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं उठता एंड अगर मैं अपनी पोजिशन यहाँ सेल करता तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता क्योंकि ये पोटेंशियल प्रॉफिट है जो मैं ना कमा पाता। बेसिकली मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट ख़त्म हो जाता, मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता था बट नहीं कमा पाया। तो बेसिकली ये जो है आइडियल पॉइंट्स हैं, हमने जो है दो आइडियल पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं बेसिकली, दिस वन एंड दिस वन, कि हम कहाँ पे एंट्री लें और कहाँ पे एग्जिट करें कि हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो और लॉसेस मिनिमम हो। यही है पूरे के पूरे टेक्निकल एनालिसिस का रूल एंड यही है बेसिकली, इसी में है हमारे सारे एफर्ट्स। ऑल द एफर्ट्स इन द टेक्निकल एनालिसिस इज टू कैप्चर दैट आइडियल सिचुएशन, जो हमने यहाँ पे आइडियल सिचुएशन डिस्कस करी है कि सबसे बेस्ट प्राइस पे बाय करें एंड सबसे बेस्ट प्राइस पर सेल करें। सारा का सारा ही एफर्ट उसमें इसलिए है कैप्चर द ट्रेंड एज सून एज पॉसिबल एंड सेल एज सून एज द ट्रेंड एंड्स। मतलब जैसे ही ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो उस पर हम बाय करें और जैसे ही हमारा ट्रेंड एंड हो उस पर हम सेल कर दें। ये बात हमने ऊपर भी डिस्कस करी थी। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपने कोई भी थोड़ी बहुत भी वीडियोस देखी होंगी तो आपको लोगों ने बताया होगा भाई RSI लगा दो, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर दो, कोई ऑसिलेटर यूज़ कर लो, इससे आपके पैसे बनेंगे, उससे आपके पैसे बनेंगे। बट जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है। इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस कुछ कुछ इस पिक्चर की तरह लगता है। टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए आपको पिक्चर को डिकोड करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे एक आदमी खड़ा है शायद से, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है कैजुअल्स पहने हुए, इस बंदे ने फॉर्मल्स पहने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा डिकोड करना पड़ता है।
अगर इस पॉइंट में हम थोड़ा सा और बेसिकली थोड़ा सा और एम्फेसिस दे, तो यहाँ पे आप दो टाइप के चार्ट देखें। एक टाइप का चार्ट तो ये है कि ये एक प्राइस रेंज में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, और दूसरा चार्ट ये है कि वो लगातार ऊपर जाया जा रहा है। तो ये आपको दिखने में बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, राइट? और जब ये चार्ट्स दिखने में इतने डिफरेंट हैं, तो हम बेसिकली कैसे मान सकते हैं कि इन दोनों में सेम ही चीज़ काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। हर टाइप की मार्केट कंडीशंस के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, डिफरेंट हमारा स्किल सेट लगता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस लगता है। यह हमारा कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का मतलब बेसिकली प्राइस एक टाइम करेक्शन दिखा रहा है, मतलब सेम ही प्राइस पे रह रहा है मोर और लेस, और ये एक ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड जो ये वाला प्राइस दिखा रहा है। दोनों सेम नहीं है। कोई भी आपको बेसिकली देयर इज नो गोल्डन बुलेट, और वी नीड डिफरेंट टूल्स टू वर्क इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस टेक्निकल एनालिसिस में, यह जानना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड, मैं आपको एक मिस्टेक के बारे में बताना चाहूँगा जो खासकर टेक्निकल एनालिसिस में बहुत से लोग करते हैं, और वो ये है कि भाई ट्रेंड स्टार्ट हो गया, हमने ट्रेंड में पोजीशन ले ली, हमारी पोजीशंस बहुत अच्छी जा रही हैं, बट अक्सर मार्केट में ऐसी टाइम्स आते हैं जब विदाउट एनी सिग्नल एकदम से मार्केट डाउन जाएगी और इसे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई बोलता है तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ इवेंट्स मार्केट में ज़रूर होंगे, एंड उस टाइम पे हमें रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। पैसे कमाने से ज़्यादा अपने पैसे को सेफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सडन मूवमेंट्स आएंगी, विदाउट एनी वार्निंग्स आएंगी, और ऐसा अक्सर होता रहता है। अगर आपने कोविड का भी केस देखा हो तो एकदम से कोविड के टाइम पे मार्केट्स ने एकदम से डाउन टर्न ले लिया था, और अगर आप इसके मामले में अगर आपने ढंग से अपना रिस्क एनालिसिस ना करा होता तो आप 40% तक ईजिली अपने पैसे गंवा सकते थे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड टेक्निकल एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही अच्छे टूल्स हमें देता है जो कि किसी भी टाइप का एनालिसिस हमें नहीं देता है। तो वो उसके बारे में भी मैं आपसे आगे डिस्कशन करूंगा कि क्या है वो टूल्स जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्निकल एनालिसिस ही देता है और कोई भी नहीं देता। तो इसके बारे में हमारी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले एक बेसिकली एक मेथड देख लेते हैं कि कोई भी अगर हम ट्रेड लेंगे तो उसमें हम कैसे एंटर करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे, क्या हमें करना होता है एक ट्रेड लेने के लिए। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड लेने से पहले होनी चाहिए दिमाग में। प्रायर टू टेकिंग द ट्रेड, ट्रेड लेने से भी पहले इन सारे स्टेप्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली टूल्स बताने से पहले ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कोई भी टूल या कोई भी चीज़। आप किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे अनलेस और अनटिल आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। तो सबसे पहले तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए ट्रेड लेने से भी पहले कि हम पोजीशन में एंटर कब करने वाले हैं, हम कब करेंगे पोजीशन को एंटर। सेकंड, मतलब अभी ट्रेंड, अगर ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मुझे ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ओके, अगर इससे ऊपर मेरा प्राइस जाता है तो यहाँ मैं बाय करूँगा, वरना मैं बाय नहीं करूँगा। सेकेंड, वेन टू एग्जिट, अगर मेरा प्राइस ऊपर चला गया है और उसके बाद मान लीजिए इस पॉइंट से अगर नीचे आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये दोनों पॉइंट्स आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड होने चाहिए, आपके ब्रेन में पहले से ही होने चाहिए पॉइंट ट्रेड लेने से भी पहले। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम एग्जिट करते हैं, एंटर करना पोजीशन को ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एग्जिट करना, बिकॉज जब आप एग्जिट करेंगे तो आपके ऑलरेडी पैसे लगे होंगे उस चीज़ में। एंड जब आप एग्जिट करते हैं तो दो सिनेरियो बनते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ बाय करा और आपको लग रहा था शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा एंड ये ऊपर चला गया, तो अब मैं इसे किस पॉइंट पर सेल करूँ, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, कि जो मेरे प्रॉफिट्स मैक्सिमम है, क्योंकि मान लीजिए उसके बाद ये स्टॉक प्राइस ऐसे ही गिर जाता है, तो मेरे को किस पॉइंट पे सेल करना चाहिए था, मेरे को इस पॉइंट पे सेल करना चाहिए था या इस पॉइंट पे सेल करना चाहिए था अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमम करने के लिए। तो सबसे पहला तो सेल करने में हमारा एफर्ट ये रहता है। सेकंड, हमारा सेल करने में एफर्ट ये रहता है कि मान लीजिए आपने शेयर के ऊपर जाने के लिए बेट करा था, बट शेयर एकदम से नीचे चला जाता है, आपकी डायरेक्शन के अपोजिट चला जाता है,
तो मैं कहाँ पे इसे सेल करूँ कि मेरा लॉस मिनिमम हो, क्योंकि एक छोटा चांस तो ये भी था ना कि हो सकता है मार्केट यहाँ से जाके वापस ऊपर बढ़ जाता। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे मैं सेल करूँ तो मेरे लॉसेस मिनिमम हो, या फिर मैं सेल करूँ और मेरे प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। टेक्निकल एनालिसिस में हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगेन मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा, प्लान इवन बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड में जाने से पहले आपको पता होनी ही चाहिए। और जब हम एग्जिट करने की बात कर रहे हैं तो हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ऑन करना चाहिए, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में रिस्क मैनेजमेंट पोजीशंस को एग्जिट करने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे हम एग्जिट करें कि हमारा लॉस मिनिमम हो। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या टूल देता है, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस हमें स्पेसिफिक प्राइस बता सकता है कि इससे नीचे आप जाएं तो, अगर प्राइस हमारा इससे नीचे जाता है या इससे ऊपर जाता है तो आपको अपनी ट्रेड्स एग्जिट कर देनी है, जिससे हमारा रिस्क हमें पता चल जाता है कि हमारा मैक्सिमम रिस्क क्या हो सकता है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ तो मान लीजिए हमारा ट्रेड ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और हम अभी इस पीक पे पहुंच जाते हैं, अभी तक हमने पोजीशंस नहीं लिए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बाय कर देता हूँ एंड स्टॉक प्राइस नीचे जाने लग जाता है। ट्रेड में जाने से भी पहले मैंने डिसाइड कर रखा था कि जो मेरा सेकंड लो बनाया है बेसिकली जो ये लो बनाया है टॉप से, जो मेरा सेकंड लो है, अगर मेरा शेयर प्राइस उससे नीचे जाता है तो मान लीजिएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और ये शेयर प्राइस वापस और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए सेल कर दिया अपना लॉस मिनिमम करने के लिए, और ये चीज़ें मुझे पहले से ही पता थी, तो इसी वजह से मेरा रिस्क, ये था मेरा रिस्क बेसिकली, और ये रिस्क मुझे पहले से ही पता था कि मेरा मैक्सिमम लॉस मान लीजिए 5% का हो सकता है। तो मैं रिस्क उस हिसाब से एडजस्ट अपना कर सकता था। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा सेफ खेलना चाहता था तो मैं हो सकता है यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकता था और मान लीजिए मेरा लॉस हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 3% का ही होता। तो मैं रिस्क अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में। स्पेसिफिक मेरे को टेक्निकल एनालिसिस को स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट्स बता सकता है कि मान लीजिए सेकंड लो से नीचे जाएगा तो मेरे को स्पेसिफिकली पता चल सकता है मेरा 3% का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, 5% का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, और किस पॉइंट से अगर चीज़ें नीचे आ रही हैं तो फर्दर मेरे लॉस के चांसेस हैं, जिसकी वजह से हमारे रुइन। ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो हमारे बेसिकली ट्रेडिंग कम्युनिटी में रहती है कि सारा का सारा पैसा ही वाइप आउट हो जाना। अगर सारा का सारा पैसा आपका वाइप आउट हो जाता है तो आप ट्रेडिंग के गेम से ही बाहर निकल जाएंगे, ट्रेड करने की तो छोड़िए। तो रुइन से अपने आप को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में। तो ये आपको कहीं ना कहीं रुइन से भी बचाता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस नहीं होने देता ये। अगर आप इन्वेस्टर होते, आप किसी और तरीके से ट्रेड कर रहे होते तो आप बिल्कुल एंड तक जाते, आप अपनी ट्रेड में बने रहते और आप कभी भी एग्जिट ना कर पाते, या हो सकता है आप ज़्यादा जल्दी एग्जिट कर देते, यहाँ पे आप एग्जिट कर देते, हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस आपको हिंट दे देता कि यहाँ से शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ सकता है और आप हो सकता है अपना 1% बचा भी पाते। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेसिफिक प्राइसेस देके। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि एटलीस्ट 3 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें, 3 सिद्धांत, 3 प्रिंसिपल्स मान लीजिए दीवार पे लगा लीजिए, टैटू बनवा लीजिए, आपको जो करना है करिए, बट इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो उसमें यह है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमेशा आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है। और ये लाइन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले मैंने आपको बात करी थी कि फ्रीली ट्रेडेड मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो ट्रेंड में रहते हैं, यही है टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे मेन प्रिंसिपल है। तो अगर चीज़ें अपने ट्रेंड में रहने की ट्राई करती हैं लंबे से लंबे टाइम तक, तो अगर आप ट्रेंड के साथ रहेंगे तो आप प्रॉफिट में भी रहेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस का सबसे मेन सिद्धांत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सेकेंड है डोंट लूज, जो हमने यहां बात करी है रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस में, कि उतना ही लॉस करें जितना झेल सकें। थर्ड है मैनेज योर मनी, मैनेज योर मनी का मतलब क्या है, अपने आप को
रुएन से बचाना। रुएन से बचाना मतलब जो भी मेरा सारा कैपिटल था, सारा का सारा खत्म ना हो जाए, उस चीज़ से अपने आप को बचाना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो आगे प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। अगर आप एक बार बाहर निकल गए तो आपका जी हो जाएगा गेम ओवर, जो कि कोई नहीं चाहता। जो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि रेदर देन सारा पैसा एक ही जगह पे लगाने की बजाय आप छोटी छोटी पोजीशंस ले सकते हैं अलग अलग जगहों पर। कुछ लॉन्ग में ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसे बनेंगे, कुछ शॉर्ट में ले सकते हैं आपकी मार्केट नीचे गिरेगी तो आपके पैसे बनेंगे। तो इन चीज़ों के थ्रू आप अपनी अलग अलग पोजीशंस ले सकते हैं और अपना पूरा का पूरा गेम ओवर होने से आप बच जाएंगे, क्योंकि अगर इनमें से कुछ पोजीशंस आपकी कम्प्लीटली वाइप आउट भी हो जाती हैं तो बाकी पोजीशन बची हैं एंड आप हो सकता है उनसे अपनी ढेर सारी पोजीशंस, ढेर सारा अपना कैपिटल आगे ग्रो कर सके एंड प्रॉफिट आगे अपना कमा सके, और आपकी वो पोजीशन आपका एक लार्ज सम ऑफ मनी आपको फ्यूचर में बना के दे सके। बिकॉज हर ट्रेडर कभी ना कभी लॉस ज़रूर करेगा, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का सिद्धांत है। कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर ने कभी भी, कोई ऐसा नहीं आया जिसने कभी लॉस ना करा हो, छोटा चाहे बड़ा। लोग लॉस, बेसिकली लॉस ज़रूर करते हैं अपनी ट्रेडिंग उसमें। तो ये तीन सिद्धांत है, जो तीन सिद्धांत हमें अपने कोर्स में हमेशा ध्यान रखने हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, डोंट लूज एंड मैनेज योर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कभी भी पैसा बनाना है तो। अब हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं ट्रेंड के बारे में, तो एक बार जान भी लेते हैं कि ये ट्रेंड आखिर होता ही क्या है, क्या है ये ट्रेंड। तो ट्रेंड बेसिकली हमारे होते हैं तीन टाइप के। तो तीन टाइप के अगर मैं ट्रेंड देखूं, सबसे पहला तो होता है हमारा अप ट्रेंड, हायर पीक्स एंड हायर ट्रफ्स। इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, उसके बाद इसने एक पीक बनाई, मतलब मैक्सिमम कि भाई ये इतना ही ऊपर गया, उसके बाद ये वापस नीचे आया, और नीचे आके यहाँ से जब ये वापस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इसने एक ट्रफ बना दिया, मतलब पीक और लो। इस रीजन में ये इसका पीक है और ये इसका लो है। वापिस जब हम देखते हैं तो उसने वापिस एक पीक बनाई, और ये वाली पीक इस वाली पीक से हायर है, ये वाली पीक ज्यादा ऊपर है इस वाली पीक से। एंड अगर मैं इस वाली पीक को देखता हूं तो ये वाली पीक ज्यादा ऊपर है हमारी इस वाली पीक से। अगर मैं ट्रफ्स भी देखता हूं, जो लोज हैं अगर मैं उन्हें भी देखता हूं, तो जो मेरा ये वाला लो है वो इस वाले लो से ऊपर है, और जो मेरा ये वाला लो है वो इस वाले लो से ऊपर है। तो ये एक अप ट्रेंड को दिखाता है कि चीजें ऊपर जा रही हैं, हायर हाइज एंड हायर लोस। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि रियलिटी में मार्केट इतना क्लियर कट पैटर्न आपको नहीं देती है, बट हाँ वो सारी चीजें भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आप पूरे कोर्स में बने रहेंगे तो। सेकेंड जो हमारा ट्रेंड होता है वो होता है हमारा डाउनवर्ड्स ट्रेंड, लोअर पीक्स एंड लोअर ट्रफ्स। लोअर पीक्स एंड लोअर ट्रफ्स का मतलब क्या है? ये पीक थी, एंड उसके बाद जब हम सेकंड पीक में जाते हैं तो सेकंड पीक हमारी नीचे है ऊपर वाली पीक से, एंड थर्ड वाली पीक हमारी नीचे है सेकंड वाली पीक से। यही सेम ट्रफ्स के साथ भी है, फर्स्ट वाली पीक हमारी बेसिकली जो ये हमारा ट्रफ है ये नीचे है पिछले वाले ट्रफ से, ये वाला ट्रफ हमारा नीचे है पिछले वाले ट्रफ से, एंड ये वाला ट्रफ हमारा सबसे ज़्यादा नीचे आता है। तो लोअर ट्रफ्स बनते हैं हमारे डाउनवर्ड ट्रेंड में। एक और टाइप का ट्रेंड है जो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा दिखाती है, वो हमारा ट्रेंड होता है साइडवेज और फ्लैट ट्रेंड। मतलब शेयर प्राइस मोर और लेस एक रेंज में ही रहता है, यहाँ से यहाँ तक ये शेयर प्राइस रह रहा है, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इन ट्रेंड्स की बेसिकली एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो एवरेज होता है प्राइस का वो सेम रहता है, कि ठीक है भाई मुझे मेरा शेयर प्राइस कभी ऊपर जाता दिख रहा है, कभी नीचे आता दिख रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी जा रहा है, बट अगर मैं इन सब का एवरेज निकालूँ तो मेरा एवरेज एक कांस्टेंट ही आएगा। बेसिकली मेरा जो प्राइस का एवरेज है वो कांस्टेंट रह रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक जो साइडवेज ट्रेंड होता है उसकी निशानी होता है कि जो प्राइस का एवरेज है वो ऑलमोस्ट मेरा सेम रहे। कुछ लोग मूविंग एवरेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं कि मूविंग एवरेजेस सेम रहे। आपको यहाँ पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है कैसे काम करती हैं सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी टाइम के साथ। तो ये होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड, एक रेंज में रहता है, प्राइस का एवरेज ऑलमोस्ट सेम रहता है, प्राइसेस ज़्यादा नहीं हिलते, उसे ही हम साइडवेज ट्रेंड भी कह देते हैं।
तो टेक्निकल एनालिसिस में दिक्कत कहाँ आती है? सबसे पहले से मैंने आपको कहा कभी प्राइस नीचे जा रहा है, कभी प्राइस ऊपर जा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो चार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पैटर्न्स दिखाता है। मतलब ये मान लीजिए, अगर हम ये मान लें कि ये जो रेड वो हमारी जो ब्लैक लाइन है ये हमें ट्रेंड दिखा रहा है, हम ब्लैक लाइन की तरफ देख रहे थे जो हमारा ट्रेंड है, पर रियलिटी में ये ब्लैक लाइन ऐसे नहीं बनी होगी, इतनी स्मूथ नहीं होगी। ये ब्लैक लाइन बनी होगी छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से, आप उसे रेड लाइन के तौर पर मान सकते हैं। छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर और नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इन सिनेरियो में जो हमारा मेन ट्रेंड था, जो हमारा ब्लैक लाइन थी, उसे ढूंढना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं फाइंडिंग पैटर्न्स इन द केओस, एंड इसके कारण लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो सकती है। ये दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए यहां पे तो हमारा शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर गया था, उसके बाद जब प्राइस थोड़ा सा हमारा नीचे आया तो किसी को लग सकता है कि ट्रेंड का जी हो गया है एंड, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद प्राइसेस वापस ऊपर बढ़े थे एंड फिर वापस ये थोड़ा सा नीचे आया था। अब इसके बाद तो इसके अंदर तो भाई हम दो बेसिकली दो लेवल्स देख सकते हैं कि जब ये दो बार ऊपर उठ के नीचे गया तो लोगों को यहाँ से लग सकता था कि भाई हो सकता है ट्रेंड खत्म हो गया हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम पूरे इस चार्ट में देखें तो ट्रेंड ब्लैक लाइन का ऊपर की तरफ ही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स भी रहते हैं मार्केट के अंदर, जो एंटी भी हो सकते हैं मेन ट्रेंड के, कि मान लीजिए मेन ट्रेंड तो ऊपर जा रहा था पर यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो रेड लाइन है वो बीच में नीचे भी गई है। अगर मैं ब्लैक लाइन की ही बात करूं तो ब्लैक लाइन भी बीच में ऊपर जाके नीचे गई है। तो ट्रेंड के अपोजिट ट्रेंड्स भी बहुत सारे आते रहते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स भी काफ़ी बार ऊपर नीचे का हमें रॉन्ग सिग्नल भी देते रहते हैं। तो ये काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में आती है, जिन डिफ़िकल्टीज़ को हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे आगे आगे अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू। पर ये जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहता है इसका बस नुकसान ही नहीं रहता, जैसा कि हम देख पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो जल्दी नीचे आना स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा ही रैपिडली नीचे आ रहा है। तो ये मेरे को अर्ली सिग्नल्स, क्या अर्ली सिग्नल्स, ये अर्ली सिग्नल्स भी देता है हमें शॉर्ट, बेसिकली जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। तो इसके बेसिकली हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में तो इसे हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। बेसिकली हमें कन्फ्यूजन भी देता है ये अलग अलग पैटर्न से, बट हमें अर्ली सिग्नल भी देता है ये। तो इस वजह से इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों रहते हैं। तो ये दो धारी तलवार की तरह है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अ ट्रेंड इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्राइसेस दैट रिमेन इन इफेक्ट लॉन्ग इनफ टू बी आइडेंटिफाइड एंड स्टिल बी प्रॉफिटेबल। तो बेसिकली ये लाइन हमें यहाँ पे क्या कहना चाह रही है, तो ये लाइन हमें यहाँ पे कह रही है कि सारे के सारे जो बेसिकली पैटर्न है, अगर मैं ऐसे ही कोई पैटर्न बना दूं उसे हम ट्रेंड नहीं बोलेंगे। सारे के सारी चीज़ों को हम ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं। ट्रेंड की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को ट्रेंड बोलने के लिए। सबसे पहले तो ट्रेंड लॉन्ग इनफ होना चाहिए कि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें, और उसके बाद वो इतने लंबे टाइम तक रहना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल हो। तो आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेंड की तरफ देखूं तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या दिखाई देता है, सबसे पहले कि प्राइस ऊपर बढ़ा फिर प्राइस नीचे गया। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर अपनी ट्रेड लेने की सोचूं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे मेरे पास सफिशियंट डाटा नहीं है। सफिशियंट क्या नहीं है, सफिशियंट डाटा नहीं है ये बताने के लिए कि क्या ये एक अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि प्राइस ऊपर भी गया है और प्राइस बाद में नीचे भी आया है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता। अगर मैं वेट करता हूँ उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और मैं कहीं ना कहीं यहाँ ट्रेड लेने की सोचता हूँ, यहाँ पे क्या दिक्कत है, अगर मैं अपनी ट्रेड यहाँ पर ले लेता तो उसके बाद प्राइस बस नीचे ही गया है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उसके बाद प्राइस बस और बस नीचे ही गया है। तो यहाँ पे ये टू लेट, यहाँ पे मेरे पास ये टू लेट वाली सिचुएशन हो जाती कि बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ अपनी ट्रेड्स लेने के लिए। तो अब इस पॉइंट पर आकर ट्रेड लेने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ये वाला पैटर्न था इससे प्रॉफिट्स
इससे हम प्रॉफिट्स नहीं बना सकते थे, बिल्कुल भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि इस पॉइंट पे ये जो ट्रेंड था अनरिकॉग्नाइजेबल था, और इस पॉइंट पे ये ट्रेंड बेसिकली बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कुछ भी हमें बताने के लिए। तो ये वाला हम जो ट्रेंड है इसे हम बोलेंगे कि ये ट्रेंड में नहीं आता है, ये नॉर्मल कुछ प्राइस पैटर्न है तो ये ट्रेंड में नहीं आता है। बेसिकली ओनली रिकॉग्नाइजेबल while studying the history and can't be predicted in the future. A trend in something that can be identified early to make profit out of it. So basically यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रेंड को अब हम इस सिनेरियो में देखें, तो ट्रेंड अगर मैं हिस्ट्री की तरफ देखूँ तो ना, हाँ यार अगर मैं इस पूरे चार्ट को देख पा रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं देख पा रहा हूँ कि एक अप ट्रेंड था, यहाँ तक मैं प्रॉफिट्स कमा सकता था। बट अगर ये एक लाइव चार्ट होता है, लाइव चार्ट के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं इस ट्रेड को देख रहा होता तो किसी भी सिनेरियो में कोई भी पॉइंट निकल के नहीं आता है जिसमें मैं अपनी ट्रेड लेकर वहां से प्रॉफिट कमा सकता था। तो अगेन वो वाला पॉइंट हमारा हिट होता है कि हम हिस्ट्री को तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट जब बात आती है हमारे फ्यूचर की तो फ्यूचर देखना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। फ्यूचर हमारे लिए प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, हम फ्यूचर इतनी आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं जितनी आसानी से हम हिस्ट्री रीड कर सकते हैं। इस सारी चीज़ से अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो ये वाली लाइन, तो आपको ये वाली लाइन यहाँ से सीखनी चाहिए। बेसिकली डोंट ट्राई टू हिट एवरी बोल, बेसिकली सारे के सारे पैटर्न्स आपको प्रॉफिट्स बना के नहीं दे सकते हैं। सारे के सारे पैटर्न को इतना ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो पैटर्न्स जो आपको सेंस बनाते हैं, जहाँ से आप प्रॉफिट्स कमाने की आपको लगता है यहाँ बाय करके मैं यहाँ बेच पाऊँगा, जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वही हैं प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स। पर उन्हीं पर फोकस करिए, बाकी सारे ट्रेंड्स को आप भूल जाइए। सो ट्रेंड्स के बारे में इतनी सारी बात हो चुकी है, बट अब मेन बात आती है कि ट्रेंड को बेसिकली आइडेंटिफाई ही कैसा करा जाए। अगर मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाऊंगा तो प्रॉफिट्स को तो मैं भूल ही जाऊं, प्रॉफिट्स मेरा कोई सेंस नहीं बनाता है। पहले के ज़माने में ये चीज़ अब तो उतनी यूज़ नहीं होती, पहले के ज़माने में एक मेथड यूज़ होता था जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो बेसिकली लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, ये अब यूज़ नहीं होता, बट आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके कुछ प्रॉज भी थे, इसके कुछ बेनिफिट्स भी थे जो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिशियल लगे, तो इसके लिए इसे जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली ये लीस्ट स्क्वायर मेथड हमें क्या कहता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड में बेसिकली कुछ नहीं होता। मैं अगर आपको थोड़ा डिफरेंटली ले जा के समझाऊं तो मान लीजिए ये कुछ हमारे पास प्राइस पॉइंट्स थे, ये लीजिए जी, ये कुछ हमारे पास प्राइस पॉइंट्स थे, तो हमें बेसिकली एक लाइन ढूंढनी है, एक सिंगुलर लाइन ढूंढनी है जो इन प्राइस पॉइंट्स को सबसे अच्छे से डिफाइन कर सके। तो मान लीजिए, लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन मैक्सिमम पॉइंट्स के बीच से गुजर रही है जो इस मैक्सिमम पॉइंट्स को डिफाइन करती है। इन सारे के सारे जो मेरे जो सारे के सारे प्राइस पॉइंट्स है, इसमें एक ट्रेंड दिखाती है। बेसिकली ये रहा मेरा ट्रेंड, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये लीजिए, ये रहा जी, बेसिकली इस रेंज में मेरा सारा का सारा प्राइस पॉइंट मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन इस मेरे प्राइस के काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है, और बेसिकली यही है और ये और कुछ नहीं है। इट इज़ नथिंग बट द बेस्ट फिट लाइन बिटवीन टू एक्सिस। यहाँ पे दो एक्सिस कौन है, बेसिकली एक तो हमारा है टाइम और एक है हमारा प्राइस। इन दोनों एक्सिस के बीच में जो मेरे डाटा पॉइंट्स हैं उनको जो लाइन बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करती है उन्हें मैं कहता हूँ लीस्ट स्क्वायर मेथड। एंड इसके थ्रू मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहले तो मुझे पता चलता है कि अब ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी और ऐसे भी हो सकती थी। तो मेरे को प्राइस का रेट ऑफ चेंज पता चल रहा है, बेसिकली प्राइस कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है मुझे ये पता चल रहा है इससे। ये बेसिकली मेरी लो स्पीड है और ये मेरी बेसिकली हाई स्पीड है। अगर मेरा प्राइस ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कम तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और सबसे मेन ये हो सकता है लाइन पहले ऐसे थी। तो मेरे को इस चीज़ से सबसे मेनली ये पता चलता है कि लाइन के थ्रू मेरा ट्रेंड स्टार्ट ही कब हुआ था, जो मेरे लिए सबसे मेन चीज़ है कि लाइन मेरा बेसिकली मेरा पॉइंट जो है स्टार्ट ही कहाँ हुआ था।
एंड मोर और लेस अगर मैं यहाँ पे देखूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर लिखा हुआ है आर स्क्वेयर। इस नंबर के बारे में हमने डिस्कशन नहीं करी है और हमें डिस्कशन ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट ये नंबर मेरे को बेसिकली बस ये बताता है कि ये जो लाइन है ये कितने अच्छे से फिट हो पा रही है मेरे डाटा पॉइंट्स में, कितने अच्छे से उसे रिप्रेजेंट, बेसिकली कितने अच्छे से उसे रिप्रेजेंट कर पा रही है मेरे को, ये चीज़ शो करता है। तो इससे मुझे ये भी पता चलता है कि क्या मुझे मेथड यहाँ पे यूज़ भी करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस लीस्ट स्क्वायर मेथड से पता चलती है, बट अब ये यूज़ में नहीं होता तो क्या यूज़ होता है? हमारा जी यूज़ होता है मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज क्या है, अगर मैं मूविंग एवरेज आपको थोड़ा सा समझाऊं तो हम ज़रा यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यही है मेरी मूविंग एवरेज, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, ये रहा ये लाइन हमारी मूविंग एवरेज है। और मूविंग एवरेज कुछ नहीं होता, मूविंग एवरेज बेसिकली दो प्राइस पॉइंट है, मान लीजिए ये था एक प्राइस पॉइंट और ये था एक प्राइस पॉइंट, तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो एवरेज कहीं ना कहीं मेरा ये निकल के आता है। तो बस यही है मेरा मूविंग एवरेज और कुछ नहीं है। अगर मेरे पास ढेर सारे प्राइस पॉइंट्स होते, मान लीजिए ये रहा फिर एकदम से ये रहा, अगर ऐसा होता तो अगर मैं सिंगुलर प्राइसेस को देख रहा होता तो मुझे यहाँ पे लगता यहाँ पे ढेर सारा डाउनफॉल आ गया है, बट अगर मैं इन सारे प्राइसेस का एवरेज लेता तो ये कुछ ना कुछ ऐसे दिखाई देता। तो अगर मैं इन सारे प्राइसेस का एवरेज लेता है कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई देता, और अगर मैं एवरेजेस के थ्रू देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये वाला पॉइंट बिल्कुल ही निटिगेट हो जाता है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता। तो जो स्मॉल डिस्टर्बेंस है मेन ट्रेंड में मैं उनको बेसिकली अच्छे से झेल सकता हूँ, जो मेरी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स हैं मैं उनको बेसिकली ख़त्म कर सकता हूं बिल्कुल सिरे से, मेरे को उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो सकती है एवरेजेस को देख के रेदर देन सही प्राइस को देख के कि प्राइस क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जो मेरा प्राइस है वो तो कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, बट अगर मैं मेरी मूविंग एवरेज देखूं जो मेरी ब्लू लाइन है वो मोर और लेस ऊपर ही जा रही है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो अगर मैं मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे यहाँ ट्रेड लेता तो मैं ज़्यादा सेफ रहता और ज़्यादा अच्छे से ट्रेड ले सकता था, बिना किसी टेंशन के ट्रेड ले सकता था। तो इसलिए ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए आजकल हमारे पास मूविंग एवरेज आ गई है, हमारे पास मूविंग एवरेज का साथ आ गया, तो हम मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं रेदर देन अपना लीस्ट स्क्वायर मेथड्स यूज़ करने का। बिकॉज लीस्ट स्क्वायर मेथड का एक और बहुत ज़्यादा लिमिटेशन थी और वो लिमिटेशन थी कॉम्प्यूटेशन। अभी हो सकता है आप इस पॉइंट को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट ना कर रहे हो, बट कुछ मेथड्स आपका कंप्यूटर के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा खाते हैं और जब आप सीरियसली ट्रेड करने लग जाएंगे, हो सकता है आप किसी टाइम पे एल्गोरिथमिक ट्रेड्स भी करें, उस टाइम पे आपको इस बात की बहुत ज़्यादा केयर होगी कि कौन सी चीज़ आपके कंप्यूटर का कितना रिसोर्स खाती है। एंड मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्स खाती है आपके कंप्यूटर का, बट जो हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड है ये आपके कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रिसोर्स खाता है। बिकॉज यहाँ पे हम सिंपली एवरेज निकाल रहे हैं और यहाँ पे हम लाइंस के लिए बेसिकली सारे के सारे प्राइस मूवमेंट्स के लिए बेस्ट फिट लाइन निकाल रहे हैं, तो एक ज़्यादा कंप्यूटर का इंटेंसिव यूज़ है ऊपर वाले मेथड पे और रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आ पाते, खासकर कि जब तक ये रिजल्ट देता है तब तक हो सकता है कि पैटर्न हमारा ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन है यूज़ करता है, इसलिए हमने मूविंग एवरेजेस यूज़ करनी स्टार्ट करी। बट मूविंग एवरेजेस से भी एक अच्छा मेथड है हमारे पास, अच्छा तो नहीं कह सकते, अल्टरनेटिव मेथड हम ज़रूर कह सकते हैं, जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होता, ट्रेंड लाइन बेसिकली जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं हम उनको मिला देते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरा एक पैटर्न था, इसमें जो मेरे लो पॉइंट्स हैं, सबसे ज़्यादा लो पॉइंट्स, ये मान लीजिए मेरे पहले दो लो पॉइंट्स थे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको मिला दूंगा। तो लो जी मैंने इनको यहाँ पे मिला दिया है, तो यहाँ से मेरी कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन, इसे मैं कहूँगा ट्रेंड लाइन।
तो ये मेरी ट्रेंड लाइन होगी जो मैंने दो पॉइंट्स को मिला के बनाई है। मेरे दो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, सबसे कम दूरी वाला बेसिकली सबसे नीचे वाला मेरा जो डाउनफॉल था और सबसे ऊपर वाला मेरा जो डाउनफॉल था। सबसे ऊपर वाला मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये प्राइस जस्ट अभी बना ही होता, मान लीजिए बस प्राइस इतना ही बना है, तो ये मेरा सबसे छोटा प्राइस है और ये मेरा सबसे बड़ा प्राइस है डाउनफॉल में। तो मैं इनको मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता था यहाँ पे, और उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करा है। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन हम क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन मैं बस नीचे ही नहीं बना सकता, ट्रेंड लाइन मैं एक ऊपर भी बना सकता हूं, तो मेरे को ये प्राइसेस की रेंज भी देती है रेदर देन सिर्फ ये बताने के लिए कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है। उसके साथ ये भी मुझे रेट ऑफ चेंज बताती है कि मेरा जो प्राइस है वो किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, बिकॉज ट्रेंड लाइन भी ऐसे ऐसे और ऐसे कैसे भी हो सकती थी। अगेन ये मेरा है हाई रेट ऑफ चेंज, बेसिकली ज़्यादा स्पीड से मेरा प्राइस बढ़ रहा है, और ये है मेरा लो रेट ऑफ चेंज कि कम स्पीड से मेरा प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे को इसके साथ ही पता चलती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखूँ तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं निफ्टी 50 के अंदर। एक ये है नीचे, इस वाली ट्रेंड लाइन के लिए हमने एक ये वाला पॉइंट लिया था और एक ये वाला पॉइंट लिया था। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को बेसिकली ज्वाइन करा, तो उसके बाद हम देख रहे हैं ऊपर भी जब एक डाउनफॉल आया तो ये वाला पॉइंट रिस्पेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? रिस्पेक्ट। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है, और उसके बाद वापस से मार्केट ने एक जंप लिया है, जंप के बाद वापस मार्केट डाउनफॉल में गई है। एंड ऊपर की तरफ भी हमने स्टार्टिंग में ये दो पॉइंट्स लिए थे, ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार इस पॉइंट को मार्केट ने रिस्पेक्ट करा है और इसी रेंज में रहा है। इससे बहुत सारी हमें चीज़ें पता चल सकती हैं। अगर प्राइस यहाँ पे आया है, डाउनवर्ड साइड पे आया है, उसके बाद ऊपर बढ़ता है तो पोजीशंस लेने के लिए अच्छा टाइम है। अगर ऊपर की साइड है मेरा प्राइस तो उसके बाद ऊपर की पोजीशंस लेनी हमारे लिए रिस्की हो सकती है, बिकॉज एक डाउनवर्ड मूव के चांसेस हैं लोअर वाली ट्रेंड लाइन तक, रेट ऑफ चेंज भी बताता है। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ जहाँ पे हमारा ट्रेंड एंड होता है, तो मेरी मूविंग एवरेज वो भी मेरे स्लांट से अब ऐसी हो चुकी है, और जो मेरी ट्रेंड लाइन है वो भी मेरी हो चुकी है ब्रेक। तो दोनों ही तरफ से मेरे को, दोनों ही जगहों से मेरे को यहाँ पे सिग्नल मिल रहे हैं कि मेरा ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, मेरा ट्रेंड एंड हो चुका है, और ट्रेंड एक्चुअली हो भी चुका है। एक अपवर्ड मूवमेंट से अब एक साइड रेंज मूवमेंट बन चुका है ये, तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद अब एक साइडवर्ड मूवमेंट बन चुका है। तो मैं इन चीजों का यहाँ पर ध्यान रख सकता हूँ। तो ये था हमारा ट्रेंड लाइन, और बेसिकली जो हम बात करें ट्रेंड लाइन हो गया या हमारे मूविंग एवरेजेस के बारे में, एक बार अगर थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर ले तो ये अब भी यूज़ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना सिस्टम है, जब हैंड से सारे पैटर्न्स ड्रॉ हुआ करते थे उस टाइम से ये पैटर्न बेसिकली चल रहा है ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने का। रिवर्सल पॉइंट्स हमें बताता है कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जब हमारा ट्रेंड एंड हुआ, बेसिकली जैसे ही लोअर ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करा वैसे ही हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया, तो हमें वो बताता है। फीलिंग ऑफ प्राइस डायरेक्शन, जब मैं इसे ड्रॉ करूँगा दोनों ही ट्रेंड लाइंस को, मेरे को कहीं ना कहीं एक फीलिंग मिलेंगी कि हो सकता है मेरा प्राइस इस डायरेक्शन में मूव करे। तो मेरे को एक फीलिंग देता है प्राइस डायरेक्शन की। रेट ऑफ चेंज तो हमने यहाँ पर डिस्कस करा ही था इतने अच्छे से, ये रहा रेट ऑफ चेंज तो हमने इतने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर ही रखा है। तो रेट ऑफ चेंज मुझे बताता है ये, फिर मुझे बताता है कैन डिफाइन द लिमिट्स इफ ब्रोकन सिग्नल अ ट्रेंड चेंज। अगेन सेम ही पॉइंट है कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी तो मेरे को एक सिग्नल मिलता है कि हो सकता है कि मेरा ट्रेंड चेंज हो चुका हो। तो बेसिकली अब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, इतनी सारी चीज़ें जान ली हैं, तो अब हमारी जो सारी की सारी डिस्कशन है वो है हमारी सारी डिस्कशन प्राइस ओरिएंटेड, प्राइस के ट्रेंड के ओरिएंटेड, प्राइस के पैटर्न के ओरिएंटेड। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टॉक मार्केट में प्राइस है ये आता ही कहाँ से है, और हम प्राइस को बेसिकली स्टडी ही क्यों कर रहे हैं, हम कोई और चीज़ क्यों नहीं पढ़ रहे, प्राइस ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड के थ्रू। अगर आपने थोड़ा भी फाइनेंस पढ़ा है तो आपको पता चला होगा कि जो भी चीज़ें हैं हमारी फाइनेंस में उसके पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो सप्लाई होती है या तो डिमांड होती है।
तो सप्लाई और डिमांड का मतलब क्या है? सप्लाई मतलब किस चीज़ की कितनी मौजूद की है। मान लो अगर मैं मैगी बेच रहा हूँ तो मेरे पास इतनी मैगी है, ये सारा मेरे पास मैगी का स्टॉक है, ये है उसकी सप्लाई, और ख़रीदार मैगी के बस इतने ही हैं। तो मेरी जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है, तो क्या होगा भाई, मेरे पास सामान ज़्यादा है, ख़रीदने वाले नहीं है, तो मैं सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दूंगा और प्राइस मेरा नीचे गिर जाएगा। अगर मान लीजिए अगर यही चीज़ अपोजिट होती, अगर मैं इसे थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में लेके चलूँ, मान लीजिए मेरे पास मैगी की सप्लाई होती बस इतनी ही, बट मैगी की डिमांड मेरे पास इतनी सारी होती, तो क्या होता? तो बेसिकली कुछ नहीं होता। ये बेसिकली इतने सारे लोग हैं जो इतनी सी मैगी को बाय करना चाहते हैं, तो ये सारे लोग लड़ने लग जाते, भिड़ने लग जाते और एक के बाद एक बैट लगाने लग जाते। कोई बोलता मैं 10 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, कोई बोलता मैं तो 12 में भी ले लूँगा, कोई बोलता मैं 15 में भी ले लूँगा, कोई बोलता मैं 16 में भी ले लूँगा। तो धीरे धीरे जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लगता है। बहुत एक सिंपलिस्टिक सा आंसर था कि बेसिकली सप्लाई और डिमांड कैसे किसी चीज़ के प्राइस को बेसिकली डिफाइन करता है, कैसे किसी चीज़ के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है या घटाता है तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें किसी स्टॉक का प्राइस डिसाइड ही कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, तो स्टॉक मार्केट है उसमें किसी भी चीज़ का जो प्राइस डिसाइड होता है वो होता है हमारे ऑक्शन के थ्रू। ऑक्शन कैसा होता है, आपने अब तक बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जहां पे जनरली एक चीज रहती है, मान लीजिए एक पेन है, ये पेन लोग खरीदना चाहते हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 लोग हैं जो इस पेन को खरीदना चाहते हैं। तो एक बंदा हो सकता है बोले कि मैं 100 रुपये में खरीद लूंगा, दूसरा बंदा बोलेगा मैं तो 120 भी दे दूंगा, तीसरा बंदा बोलेगा 130, चौथा बंदा बोलेगा 140, पांचवा बंदा बोलेगा 170। तो जिसने भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेट लगाई होगी उसे ये पेन जाकर मिल जाएगा, वो इस पेन को कर लेगा बाय। तो इस पेन का जो प्राइस है वो 170 रुपये डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 170 रुपये 170 रुपये इस प्राइस, जो बेसिकली इस पेन का प्राइस है वो डिफाइन हो जाएगा। बट जो स्टॉक मार्केट होती है वहां पे ऐसे ऑक्शन नहीं चलते, वहां पे चलते हैं टू वेज ऑक्शन। तो ये टू वेज ऑक्शन क्या होते हैं, तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा ढंग से देखूं तो टू वे ऑक्शन हमारे कुछ नहीं होते। अब मान लीजिए हमारे एक पेन की बजाय मेरे पास होते 5 पेन, ये लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 मेरे पास 5 पेन थे और जो मेरे पास बायर्स हैं वो भी 5 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए एक बायर बोलता है मैं तो पेन 100 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ, वहाँ से एक सेलर बोलता है कि भाई मैं तो मेरे पेन को 170 रुपये से नीचे नहीं बेचूंगा, दूसरा बायर बोलता है मैं 120 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, एक और सेलर बोलता है चलो मैं 150 में पेन दे दूंगा, तीसरा बायर बोलता है मैं 130 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, फिर एक सेलर बोलता है कि मैं चलो भाई 145 में बेच दूंगा, फिर एक बायर बोलता है मैं 140 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, एक सेलर बोलता है मैं इसे 142 में बेच दूंगा, फिर एक बंदा बोलता है जो बायर होता है वो बोलता है कि चलो यार मैं इसे कितने में, मैं फिर एक बायर बोलता है कि चलो भाई मैं तो इसे 141 में भी खरीदने के लिए तैयार हूं, तो फिर एक सेलर बोलता है कि चलो मैं इसे 141 में बेच दूंगा। यहां पे आप देखिए कि दोनों एक सहमति में आ चुके हैं, जो मेरा बायर था, जो मेरा बायर था वो भी मेरे को 141 प्राइस बोल रहा है और जो सेलर था वो भी 141 प्राइस बोल रहा है। तो एक प्राइस डिसाइड हो चुका है पेन का, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी, यहाँ पे पेन बिक जाएगा और इस पेन का प्राइस डिसाइड हो जाएगा जो कि होगा 141। तो ऐसे होता है मार्केट में टू वे ऑक्शंस। अगर हम मार्केट के सेंस में समझें तो हम इसे कुछ ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए बिड, बिड का मतलब होता है वो बंदे जो इसे खरीदना चाहते हैं, बायर्स। तो यहाँ पे बायर्स जुटे हुए हैं जो इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बायर्स अपनी बिड लगा रहे हैं। एक बंदा बोल रहा है मैं 99 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, 46 शेयर्स
दूसरा बोल रहा है कि मैं 101 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, 23 शेयर ज्यादा ऊपर की बॉली लगा रहा है। सेलर्स वहीं से बोल रहे हैं, एक बंदा बोल रहा है मैं 105 रुपए में 54 शेयर बेचने के लिए तैयार हूँ, फिर एक बंदा बोल रहा है कि 103 रुपए में 34 शेयर बेचने के लिए तैयार हूँ, और फिर क्या होता है एट द एंड एक बायर आता है जो बोलता है मैं 102 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ 10 शेयर, और एक सेलर आता है जो बोलता है मैं 102 रुपए में 10 शेयर बेचने के लिए तैयार हूँ। 102 रुपए पे ट्रांजैक्शन हो जाती है और यही हो जाता है हमारे शेयर का प्राइस डिसाइड, और ऐसे ही चलता है शेयर मार्केट में, प्राइस ऐसे ही डिसाइड होता है। जब हो सकता है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाए, जब सेलर ज़्यादा हो जाए तो प्राइस हमारा नीचे गिर जाए, जब बायर्स ज़्यादा हो जाए, बेसिकली ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो किसी को शेयर नहीं मिल रहे, वो ऊपर ऊपर और ऊपर बेट लगाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे शेयर का प्राइस ऐसे ही बढ़ जाएगा। प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ बेसिकली प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्रिएटिंग बिहाइंड सप्लाई एंड डिमांड एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेसिकली मतलब यही है कि अभी हमने सप्लाई और डिमांड के थ्रू हमने प्राइस के एक्शन को समझा है, तो बेसिकली ये कुछ नहीं कह रहा है, बस ये कह रहा है कि जो हमारा प्राइस है वो कहीं ना कहीं हमारे सप्लाई और डिमांड से ही निकल के आता है। प्राइस में चेंज ड्यू टू चेंज इन सप्लाई और चेंज इन डिमांड और बोथ। मतलब जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस नीचे जा सकता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस ऊपर जा सकता है, होता है, हो सकता है दोनों का ही एक मिश्रण हो कि डिमांड भी ज़्यादा हो रही है और सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, बट अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो प्राइस हमारा नीचे चला जाए, तो दोनों ही फैक्टर रह सकते हैं मार्केट्स के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो फोकस करता है हमारा प्राइस पे और प्राइस के चेंज पे, बल्कि उस चीज़ पे फोकस नहीं करता कि जो हमारा बेसिकली जो हमारा सप्लाई और डिमांड है वो चेंज क्यों हो रहा है। क्योंकि अब मानिए आप किसी शेयर को बेचना चाहते हैं, कोई आपके पास शेयर है, आप उसके सेलर हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आपका कोई भी रीज़न हो सकता है उस शेयर को बेचने का। आपको थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत थी, आपको पैसों की ज़रूरत थी, आपको प्रॉफिट्स अच्छे हो चुके हैं, आप किसी और शेयर में पैसा लगाना जा सकते हैं, या फिर एक्स वाई जेड आपके पास कोई भी रीजनिंग हो सकती है। और यहाँ पे तो आपके जैसे इतने सारे सेलर्स होते हैं जिनके किसी भी शेयर्स को बेचने के इतने सारे कारण रह सकते हैं, और किसी भी शेयर के इतने सारे बायर्स हो सकते हैं जिनके उन्हें बेचने के इतने सारे कारण रह सकते हैं। तो अगर मैं इन कारणों को पता लगाने चला जाऊंगा तो मैं बस सोचता ही रह जाऊंगा कि भाई क्या है इनका कारण, कैसे मैं ट्रेड लूँ, कैसे ना ट्रेड लूँ, और मैं कभी भी कोई ट्रेड ले ही नहीं पाऊँगा। तो इसलिए एक प्राइस के ऊपर फोकस करना बेटर रहता है, क्योंकि प्राइस सबसे पहले तो एक्यूरेट है। मुझे बेसिकली प्राइस हमेशा पता रहता है कि प्राइस क्या चल रहा है, सप्लाई और डिमांड पता लगानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है, अगर मैं 10 साल पुराना शेयर प्राइस भी किसी स्टॉक का निकालना चाहूँ और अगर वो 10 साल पहले लिस्टेड था तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, उसका हिस्टोरिकल पैटर्न भी देख सकता हूँ। तो ऐसे ही बहुत से कारण हैं, हम नीचे से थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों देते हैं, बाकी किसी चीज़ को क्यों नहीं देते। तो ये हमारे डिस्कशंस हमारी आगे भी चलती ही रहेंगी। अगर हम थोड़ा सा हम क्लीनली देखें तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अब मार्केट में तो इन्वेस्टर्स भी एक टाइप के नहीं रहते, मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी रहते हैं और मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जो थिंकिंग है बहुत ही अलग चलती है हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स से। ये सोचते हैं सालों और सालों का, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर समझता है एकदम से प्रॉफिट और एकदम से ही लॉस अगर करना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की थिंकिंग बिल्कुल अलग चलती है लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की थिंकिंग से, तो इस वजह से थिंकिंग में भी काफ़ी एक डिफरेंस आ जाता है और इतने सारे रीजंस हो जाते हैं कि भाई प्राइस को ही देखना एक सेंस बनाता है। कुछ और भी रीजंस हैं इस चीज़ के, जैसे मैंने कहा था हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो रीज़न है कि जैसे कि इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन फैक्टर्स आर जनरली वेग, लेग और मिसप्लेस्ड। अगर आपने मार्केट्स में थोड़ा बहुत भी टाइम बिताया है तो आपको पता चलेगा जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन आती है बहुत बार वो लेट आती है, और कंपनी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि लेट आए, हो सकता है उसमें बेसिकली कोई स्कैम इन्वॉल्व हो जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते, और भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिसके बारे में कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, या फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती भी है आपने उसके बारे में कहीं ना कहीं न्यूज़ से पढ़ा, हो सकता है वो न्यूज़ की कवरेज ही गलत हो। तो अगर मैं इन फंडामेंटल्स प्रोसेस पर ही विश्वास करता रहा तो मैं कभी भी एक अच्छी ट्रेड
मैं कभी भी एक अच्छी जो ट्रेड है वो नहीं ले पाऊंगा और कहीं ना कहीं सिर्फ कंफ्यूजन में ही रह जाऊंगा। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा प्राइस की तरफ देखता हूं तो मेरे को पता चलेगा कि जो मेरा प्राइस होता है वो बहुत ही एक्सट्रीमली एक्यूरेट है, रेडिली अवेलेबल है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा था, और हिस्टोरिक रिकॉर्ड है उसका। सो नो बेटर पैरामीटर टू स्टडी, अगर इतनी सारी मुझे फैसिलिटी मिल रही है, मेरा जो सप्लाई डिमांड है सारे निचोड़ ही मेरा उसका मेरा प्राइस है, तो उससे अच्छी चीज़ ही क्या हो सकती है। एंड एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो प्राइस होता है उससे ही मेरा प्रॉफिट और लॉस डिफाइन होता है। किसी भी इकोनॉमिक न्यूज़ से या किसी भी कंपनी के अर्निंग से मेरा प्रॉफिट डिसाइड नहीं होता है। जो मेरा मेन प्रॉफिट डिसाइड होगा मेरा प्राइस से ही डिसाइड होगा। अगर स्टॉक एकदम से ऊपर चला गया और मैंने पैसे बना लिए, रीज़न कुछ भी निकला, उसके बाद स्टॉक नीचे जाए, ऊपर जाए, साइडवेज जाए, मुझे क्या, मेरा प्रॉफिट तो बन गया, मैं साइड हूँ, अपने को मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्राइस है वो प्रॉफिट डिसाइड करता है रेदर देन कि कोई भी न्यूज़। तो इसलिए हम मेनली प्राइस को ही देखते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और मेन बात करते हैं फ्रैक्टल नेचर के बारे में। हमने इतनी सारी बात करी है कि ये फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, क्या है ये चीज़। बेसिकली फ्रैक्टल नेचर कुछ नहीं होता। अगर आपको फ्रैक्टल नेचर को समझना है तो सबसे पहले हम इस चार्ट को देख लेते हैं। अगर हम इस चार्ट को या फिर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न सा नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये एक स्पायरल पैटर्न है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है इस चार्ट के अंदर। और अगर मैं थोड़ा सा स्पायरल पैटर्न के अगर मैं अंदर देखूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये देखिए इस स्पायरल पैटर्न के अंदर और एक स्पायरल पैटर्न है। ये देखिए, ये रहा स्पायरल पैटर्न के अंदर और स्पायरल पैटर्न है, और स्पायरल पैटर्न के अंदर और ये रहा एक और स्पायरल पैटर्न। तो कहीं ना कहीं ये स्पायरल पैटर्न भी छोटे छोटे आइडेंटिकल स्पायरल पैटर्न से ही बना है। ये मेरे को बेसिकली क्या बताना चाह रहा है, ये मेरे को बताना चाह रहा है कि जो मेरे जो बेसिकली जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये जो मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, और जो ये मेरा लंबा वाला, ये जो मेरा लंबा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये सेम है। इनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, इन्हें पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका आइडेंटिकल है, और इसे ही हम कहते हैं फ्रैक्टल नेचर। क्या कहते हैं हम इसे? फ्रैक्टल नेचर। इसे ही हम बोलेंगे फ्रैक्टल नेचर, कि जो मेरा, अगर मेरा लॉन्ग टर्म पैटर्न कुछ ऐसा है तो मेरा शॉर्ट टर्म पैटर्न भी बीच में कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल सिमिलर चलती हैं ये चीजें। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली तभी मेंशन भी करा हुआ है दैट प्राइसेस बिहेव सिमिलरली ओवर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। द फीचर ऑफ प्राइसेस टू ट्रेंड टू बिहेव सिमिलरली ओवर डिफरेंट पीरियड ओवर ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्रैक्टल नेचर। चाहे आप कोई भी टाइम स्केल ले लीजिए, टाइम बेसिकली जो हमारा प्राइस है, प्राइस के पैटर्न्स जो हैं, प्राइस के ट्रेंड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मोर और लेस सेम ही रहेंगी। तो उस संदर्भ में हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस मोर और लेस सेम ही काम करता है, तो हम उसके लिए सेम ही स्टडी करेंगे। तो इसलिए जो इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस द लेंथ ऑफ द ट्रेंड इज इरेलेवेंट, बेसिकली द लेंथ ऑफ द ट्रेंड इज ओनली डिसाइडेड बाय द पार्टिसिपेंट्स प्रेफर्ड फ्रेम ऑफ टाइम। ये बात हमने ऊपर डिस्कशन कर रखी है इस चीज़ की, इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ तो मैं बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखूंगा, मैं मंथली चार्ट्स भी देख सकता हूँ, मैं वीकली चार्ट्स भी देख सकता हूँ उसमें, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख रहा हूँ तो हो सकता है मैं 5 मिनट्स का चार्ट देख लूँ, मैं 1 मिनट का चार्ट देख लूँ, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं मेरे पास अगर मैं कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख रहा हूँ तो। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि जो मेरी शॉर्ट टर्म डेविएशंस होती हैं उनके सिर्फ नुकसान ही नहीं है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं जिसकी वजह से अर्ली सिग्नल भी देती हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड अर्ली डाउनफॉल का सिग्नल दे देता है, यहाँ पे जो मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है जल्दी ऊपर बढ़ रहा है तो जल्दी ऊपर बढ़ने का सिग्नल दे देता है। तो जो हमने सारी ऊपर डिस्कशन करी है कि हर टाइम फ्रेम में ट्रेंड सिमिलरली, जो हर टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड सिमिलरली मूव करता है, उसका फ़ायदा आप कुछ इस तरीके से उठाए कि जो सारे के सारे टाइम फ्रेम है या मैक्सिमम टाइम फ्रेम है जो आपको लगता है आपको अफेक्ट करेंगे, उन सारे के सारे टाइम फ्रेम को आप एनालाइज करें रेदर देन सारे के सारे टाइम फ्रेम्स को इग्नोर करने के।
दीज आर इम्पॉर्टेंट टू, इन्हें ना भूलिए, नॉट ओनली स्टडी दिस। तो जो हमारा बेसिकली जो शॉर्ट टर्म हमारा प्राइस मूवमेंट है वो हमें अर्ली सिग्नल देता है, लॉन्ग टर्म जो हमारा प्राइस मूवमेंट है वो हमें मोर और लेस ये बताता रहता है कि जो प्राइस की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, और कहीं ना कहीं हमें सेफ्टी भी दिखाता है। तो वैसे तो मैं देखिए ज्यादा नाम वाम में ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, ज्यादा नाम वाम में मानता भी नहीं हूँ, बट हाँ एक बात जरूर है कि हाँ जब भी आपको कहीं पे एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं, आपकी किसी से बात होगी, आपको न्यूज़ कवरेज देखेंगे, किसी बंदे का एनालिसिस देखेंगे, तो कुछ की टर्म्स आएंगी, तो वहाँ पे आपको वो की टर्म्स पता होनी चाहिए। तो बेसिकली ये की टर्म्स हैं जो हमने ट्रेंड्स हैं ट्रेंड्स की, जो बेसिकली हमने ट्रेंड को डिफाइन कर रखा है, हमने चार भागों में डिफाइन कर रखा है। सबसे पहला है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड सबसे मेजर ट्रेंड होता है जिसको ब्रेक करना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है। ये मंथ्स एंड ईयर्स तक चलता है, मंथली और ईयरली चार्ट्स देखते हैं हम इसके अंदर। फिर हमारा होता है सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट ट्रेंड, ये थोड़ा बीच का ट्रेंड होता है, इसमें हम मंथली और वीकली चार्ट देखते हैं। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड जिसमें हम डेली चार्ट देखते हैं, कुछ दिनों की मूवमेंट होगी, 5 दिन की मूवमेंट, 1 हफ्ते की मूवमेंट, ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आ जाएंगे। और हमारा इंट्राडे ट्रेंड जिसमें हम अपने दिन के अंदर अंदर की मूवमेंट्स को देखते हैं, इसमें जनरली 1 मिनट का चार्ट हो गया हमारा, 5 मिनट का चार्ट हो गया हमारा, या फिर 1 आवर का चार्ट हो गया, आर्ली चार्ट्स हो गए, मिनट चार्ट्स हो गए, जनरली हम यही देखते हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर चलती हैं। तो मोर और लेस हमने जो मेन की पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं, बट हमारा एक चीज़ रहती है और वो है एजम्पशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके एजम्पशंस पता होने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज इसी से आपको पता चलेगा कि किस सिनेरियो में टेक्निकल एनालिसिस आप अप्लाई कर सकते हैं, किस सिनेरियो में आप टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहला ये है मार्केट्स टेंड टू ट्रेंड, मार्केट्स ट्रेंड करती है, और बेसिकली जो भी फ्रीली ट्रेडिंग मार्केट्स हैं वो ट्रेंड करती हैं, लाइक द लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा जो भी बॉडी है वो अपनी करंट स्टेट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। उसी की तरह हमारी मार्केट्स भी हैं, जो मार्केट्स ने एक बार ट्रेंड पकड़ लिया मार्केट्स उसी ट्रेंड को बेसिकली फॉलो करना चाहती है, उसी ट्रेंड के साथ रहना चाहती है। तो ये पॉइंट हमारा ऊपर डिस्कस हो चुका है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन अब हम नहीं करेंगे। जो हमारी सेकंड चीज़ आती है वो हमारी आती है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, प्राइसेस डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड। ये बात भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड बढ़ने से हमारे प्राइसेस गिर सकते हैं, बेसिकली प्राइसेस हमारे बढ़ सकते हैं, सप्लाई बढ़ने से हमारे प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ज़रूर आता है कि जो सप्लाई और डिमांड है, कि जो सप्लाई और मेरी डिमांड है, इनको ही क्या फैक्टर्स बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करता है हमारा ह्यूमन बिहेवियर। और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा इसलिए आपने यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा रखा हो जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है और प्राइस ऊपर जा रहा है। हो सकता है किसी और बंदे को लग रहा है कि शेयर नीचे आ सकता है, उसने यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा रखा हो जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बढ़ रही है और हमारा प्राइस नीचे जा रहा है। तो एट द एंड जो सप्लाई और डिमांड है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे इमोशन, ग्रीड, फियर, एक्सपेक्टेशन, न्यूज़ एंड एक्सेट्रा। तो बेसिकली अब क्या हुआ है, एक इसे थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट से अगर आपको समझाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो हमारा सप्लाई और डिमांड बताता है हमें, सप्लाई और डिमांड हमारी सेट करते हैं, सप्लाई और डिमांड के थ्रू हमारा प्राइस डिसाइड होता है। और अगर मैं सप्लाई और डिमांड, ह्यूमन बिहेवियर और प्राइस को मिला दूं तो एक नई फील्ड निकल के आती है जिसे हम कहते हैं न्यूरो फाइनेंस। ये बेसिकली जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है और जो हमारा फाइनेंस है, इन दोनों का बेसिकली एक ऑफस्प्रिंग है, एक दोनों का बच्चा है ये। तो जिसमें हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, हमारा ह्यूमन बिहेवियर भी पढ़ते हैं और फाइनेंस भी पढ़ते हैं, और ट्राई करते हैं कि इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है, वो चीज़ फिगर आउट करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो जो नेक्स्ट एजम्पशन हमारी यहाँ पे निकल के आती है, वो निकल के आती है दैट प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसके बारे में हमारी थोड़ी सी सप्लाई और डिमांड के थ्रू तो हमारी बात हो चुकी है, क्योंकि अगर प्राइस हमारा सप्लाई और डिमांड के थ्रू ही डिटरमाइन हो रहा है, सप्लाई डिमांड हमारी ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू डिटरमाइन हो रही है, और ह्यूमन बिहेवियर हमारा डिटरमाइन होता है बाकी सारे जितने भी
एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके थ्रू, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आप सोच सकते हैं उसके थ्रू, तो कहीं ना कहीं एट द एंड जो हमारा प्राइस है उसमें इन सारे ही फैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं। उसने सप्लाई डिमांड को भी कैप्चर कर लिया, उसने ह्यूमन बिहेवियर को भी, और वो सारे फैक्टर्स भी जो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसने उन सारे फैक्टर्स को भी कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमारा प्राइस बताता है, बहुत अच्छे से बताता है। जैसे हमने बता भी रखा है, चाहे वो अर्निंग एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो किसी फ्यूचर इवेंट की एक्सपेक्टेशन हो, ग्रीड हो, फियर हो, फंडामेंटल एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू, सेल्स मैनेजमेंट, डिस्काउंट रेट, सारी की सारी ही चीजें एट द एंड प्राइस में मिली हुई होती है। हमारा प्राइस सब कुछ बताता है हमें किसी सिक्योरिटी के बारे में, बस समझने वाला इंसान चाहिए होता है। अगर मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो एक और नई थ्योरी निकल के आती है जिसका नाम है, ये बेसिकली इसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन हमें समझने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक इम्पॉर्टेंट नज़रों से इसे ज़रूर हमें देखना चाहिए, जो है कि एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या है? अब मान लीजिए, चलो स्टॉक स्पेसिफिक बात तो ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरी पूरी की पूरी मार्केट है उसका मूड कैसा है, वो मेरी पूरी की पूरी मार्केट खुश है या मेरी पूरी की पूरी मार्केट है वो उदास है। मतलब शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या शेयर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, अगर मैं इस चीज़ को पता लगाना चाहता हूं तो कैसे लगाऊंगा? मैं क्या कर सकता हूं? मैं भाई सिंगुलर स्टॉक्स देख सकता हूं, जितने भी सिंगुलर स्टॉक्स हैं उन सब की ही मूवमेंट देख सकता हूं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई साइडवेज ट्रेंड कर रहा है, कोई थोड़ा सा ऊपर गया, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर गया, कोई थोड़ा सा नीचे, कोई बहुत ज़्यादा नीचे, तो मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ। बट अगर मैं सारे ही शेयर्स को देखने लग गया तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, और ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारे के सारे शेयर्स को देखूं और एक अंदाज़ा लगाऊं कि जो मेरी मार्केट है वो कैसे चल रही है। तो क्या करा जाता है, अलग अलग मार्केट के शेयर्स का एक इंडेक्स बना दिया जाता है। इंडेक्स का मतलब एक इनका समूह बना दिया जाता है, एक इनको बास्केट में रख दिया जाता है, और उसके थ्रू फिर पता लगाया जाता है कि मार्केट बेसिकली कितना जा रहा है। अब जाकर जैसे हम इंडिया में देखें तो निफ्टी 50 इंडिया के 50 सबसे बड़े बिगेस्ट शेयर्स का समूह है। तो अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यह है जो मैक्सिमम शेयर्स हैं निफ्टी 50 के अंदर वो ऊपर जा रहे हैं। इसकी वजह से निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट का मेरा ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, मेरा मार्केट कैसा चल रहा है। अगर मेरे जो इंडेसिस हैं वो ऊपर जा रहे हैं, मान लो निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, तो मोर और लेस कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो मेरी मार्केट है वो हैप्पी है, और अगर नहीं जा रहे हैं तो मार्केट मेरी हो सकता है कि जो मेरी मार्केट है वो है मेरी उदास। तो यहाँ पे मैं ये पता लगा सकता हूँ एवरेजेस के थ्रू। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे यही बात हुई है, एवरेजेस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो निफ्टी 50 है ये हमारे 50 स्टॉक्स का एवरेज है, सबसे बड़े 50 स्टॉक्स का एवरेज है, जो कहीं ना कहीं मुझे ओवरऑल मार्केट की कंडीशंस के बारे में बताता है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है हर स्टॉक के बारे में। तो हमने ऊपर, जैसे कि हमने पढ़ा था, ऊपर हमारा जो प्राइस है वो हमारा ह्यूमन बिहेवियर भी दर्शाता है। और ह्यूमन बिहेवियर का काम क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर का काम होता है इंटरप्रिटेशन का। न्यूज़ आपको मिल गई कहीं से, अर्निंग्स आपको मिल गई, आपको उस अर्निंग्स को, आपको उस न्यूज़ को अपने तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। हो सकता है किसी एक न्यूज़ को कोई बंदा अच्छे हिसाब से देखे, मान लीजिए कंपनी डिविडेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई तो बंदा सोच सकता है चलो भाई डिविडेंट है, अच्छी चीज़ है, अच्छे पैसे मिलेंगे, शेयर का प्राइस ऊपर चला जाए। कोई बंदा सोच सकता है कि कंपनी डिविडेंट क्यों दे रही है, कंपनी को तो अपनी ग्रोथ में पैसे लगाने चाहिए, तो हो सकता है वो शेयर को बेचना स्टार्ट कर दे और वो शेयर नीचे भी चला जाए। अभी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकती है। भाई जो बंदे इंटेलिजेंट है, जिन बंदों ने पढ़ाई करी है, वो हो सकता है रैशनल तरीकों से अपना डिसीजन ले, एक रैशनल चीज़ रखें अपने डिसीजंस में। बट बहुत से लोग होते हैं भाई, उनके पास ना तो स्पेसिफिक टूल है, ना एजुकेशन है, और ना ही वो इतना एफर्ट, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एफर्ट, ना ही वो इतना एफर्ट डालना चाहते हैं कि चीज़ों को समझे, चीज़ों को पढ़े। तो बहुत सी ये चीज़ें होती हैं वो इरेशनल भी रहती हैं, जिसका कोई तर्क वितर्क नहीं होता।
बट जो हमारा प्राइस है दोनों ही चीज़ों को कैप्चर करता है, बेशक चाहे हमारी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे हमारा इरेशनल बिहेवियर हो, बेसिकली इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो रैशनल बिहेवियर के थ्रू हो और चाहे वो इरेशनल बिहेवियर के थ्रू हो। और यही एज है हमारे टेक्निकल एनालिसिस की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ही जुड़ी हुई रहती है, चाहे वो रैशनल बिहेवियर हो, चाहे वो हमारी बेसिकली किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो। अब थोड़ा हम देखें तो एक बहुत ही थोड़ा सा साइड पॉइंट है जो बेसिकली हमारे टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट करता है, वो है हमारी एडेप्टिव मार्केट हाइपोथेसिस। आप लोगों ने हो सकता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का नाम सुना हो, और अगर नहीं भी सुना है तो इसमें कोई बात नहीं है, हम डायरेक्ट एडेप्टिव मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में देख सकते हैं। तो एडेप्टिव मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहती है? मार्केट एंड इट्स पार्टिसिपेंट्स इवॉल्व ओवर टाइम, कि जो मार्केट है और मार्केट में काम करने वाले लोग हैं वो सेम ही नहीं रहते, वो टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं, टाइम के साथ ग्रो करते हैं, या टाइम के साथ हो सकता है डिक्लाइन भी कर जाए, बट बेसिकली वो स्टेगनेंट नहीं रहते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस को देख के वो डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो क्लासिकल व्यू पॉइंट क्या था? बेसिकली हर चीज़ का एक रिस्क रहता है, एक रिवॉर्ड रहता है। तो बेसिकली जो मेरा रिस्क और जो मेरा रिवॉर्ड रेशो है, पहले वाले लोग सोचते थे कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, कि रिस्क भी कांस्टेंट है, मेरा रिवॉर्ड भी कांस्टेंट है, बट मार्केट कंडीशंस पे कोई दो राय नहीं रहती थी कि मार्केट कंडीशंस हमेशा ही चेंज होती रहती है, कि मार्केट कंडीशन बेशक चेंज हो जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, रिस्क और रिवॉर्ड नॉर्मल कन्वेंशनल लोग पहले बोलते थे कि मोर और लेस सेम ही रहते हैं, बट एडेप्टिव मार्केट हाइपोथेसिस ये बोलती है कि रिस्क भी और रिवॉर्ड भी दोनों ही चेंज होते हैं मार्केट कंडीशंस के साथ। तो इसके कारण क्या होता है, जब एकदम से रिस्क और रिवॉर्ड सारी ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना भूल जाता है, और अपने एक्सपीरियंसिस के हिसाब से कि हाँ भाई पहले ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा करा था, अच्छे पैसे बने थे, पिछली बार ऐसे हुआ था मेरे को लॉस हो गया था, तो इस बार ऐसे नहीं करना, और बेस्ट गेसेस, बेसिकली जो भी बेस्ट गेस है उनके पास प्राइस के लिए, कि प्राइस इस तरफ जा सकता है, उस तरफ जा सकता है, अपनी एक्सपीरियंस को लेके या किसी डाटा को या किसी डाटा पॉइंट के ऊपर वो बेस्ट गेस और एक्सपीरियंस का यूज करते हैं, और यहीं से उनके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आते हैं। जो भी हमारी कन्वेंशनल थ्योरीज हैं वो ये बिलीव करते हैं कि रिटर्न का मैक्सिमाइजेशन ही सारे इन्वेस्टर्स का गोल है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपीरियंसेस और गैसेस भी अपना बहुत ही मेजर रोल दिखाते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहीं से थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमें पता चलता है कि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं मानती है कि जो प्राइसेस हैं वो एक रैंडम मूवमेंट रहते हैं, और कभी कभार ही किसी फंडामेंटल न्यूज़ के बिहाफ पर एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वगैरह स्टार्ट होता है, बट जो हमारी बेसिकली जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो ये कहता है कि प्राइसेस कभी भी रैंडम नहीं होते, चाहे इतना छोटा प्राइस मूवमेंट हो या कोई इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट हो, हर प्राइस मूवमेंट के पीछे कोई रीज़न रहता है, कोई सप्लाई का रीज़न, कोई डिमांड का रीज़न, कोई न्यूज़, कोई अफवाह, बेसिकली तो कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा किसी भी प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, नीचे लेके जाने के लिए। बिना किसी रीज़न के कभी भी प्राइस ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब एक चीज़ हो सकता है आपने कोट पहले कहीं ना कहीं सुन रखा हो, हिस्ट्री राइम्स ह्यूमन बिहेव सिमिलरली सो मार्केट बिहेव सिमिलरली। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं, बेसिकली बोलना चाहते हैं कि जो ह्यूमंस थे वो 100 साल पहले भी सेम ही बिहेव करते थे जैसा कि अब वो 2023 में बिहेव करते हैं। तो जब ह्यूमन सिमिलरली बिहेव करता है तो स्टॉक प्राइस क्यों ना सिमिलरली बिहेव करे। तो ऐसा ही कुछ मार्केट्स में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ले रखी हैं। सबसे पहला तो चार्ट है वो है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में। नीचे वाला चार्ट देखने से पहले सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे पहले एक फॉल आया, फिर एक राइज आया, और उसके बाद एक यू शेप फॉर्मेशन मार्केट में देखी गई जिसके स्टार्टिंग में मार्केट्स गिरी थी। इस वाली फॉर्मेशन में क्या हुआ था, जब यहाँ पे मार्केट सबसे पहले गिरी थी, हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डाउन चले गए थे, फिर इंटरेस्ट रेट्स जब डाउन चले गए तो फिर मार्केट्स ने एक अपवर्ड रैली दिखाई, और इस पॉइंट पे आके इंटरेस्ट रेट वापस डाउन जाने लग गए तो मार्केट ने वापस गिरना स्टार्ट कर दिया। 2020 इतने सालों बाद हमारे पास कोविड की क्राइसिस आई थी, कुछ सिमिलरली ही हुआ था, प्राइस नीचे गया था फिर ऊपर गया था, जब प्राइस नीचे गया था तो इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिए गए थे, फिर प्राइस ने जब ऊपर आना स्टार्ट करा तो
एक पॉइंट के बाद इंटरेस्ट रेट हमारे वापस इंक्रीज होने लग गए और हमने वापस देखा एक यू टर्न डाउनफॉल मार्केट के अंदर। तो हम लोगों को हिस्ट्री को बिल्कुल भी रिपीट मतलब बेसिकली इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो बेशक एग्जैक्टली रिपीट ना हो बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो हमें हमेशा उसमें मिल ही जाएंगी जिसका हम आगे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी ने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक से देखा होता तो 2020 पे भी ये प्रिडिक्ट कर सकता था कि हो सकता है एक डाउनफॉल आए, एक यू टर्न बने 6 महीने साल भर के लिए और बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकता था डाउनफॉल के बाद भी। उसके बाद जो हमारी अजम्पशन आती है वो आती है पैटर्न्स आर फैक्टर इन नेचर, ह्यूमंस बिहेव सिमिलरली इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसके बारे में हमारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है तो इसके बारे में हम और फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस एक पॉइंट के बारे में हमारे थोड़ी सी टिप्पणी रहेगी, वो बेसिकली ये रहेगी कि जो हमारे मंथली इन्वेस्टर्स या बेसिकली जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए ये दोनों अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स को ही अफेक्ट करते हैं। जनरली जो मंथली जो हमारे मंथली इन्वेस्टर्स रहते हैं वो जनरली जो बाकी जो मंथली सेलर्स हैं उनके साथ ही डील करते हैं, एंड ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड आउट रहती हैं। बहुत रेयरली जो मंथली इन्वेस्टर है वो कभी किसी शॉर्ट टर्म चार्ट को इफेक्ट करेगा एंड जो बेसिकली हमारे मंथली चार्ट्स हैं वो कभी भी किसी शॉर्ट टर्म टाइम को इफेक्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही बहुत ज़्यादा लो रहती है। तो ये चीज़ भी हमें देखने के लिए तैयार है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के साथ ही लड़ रहे हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ ही लड़ रहे हैं। पैटर्न्स एंड चार्ट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आपको इस लेसन से कहीं लेके जाना है तो आप ये लेके जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी चीज़ निकल के आती है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमोशंस आर अफेक्टेड बाय अर्लियर इमोशंस थ्रू इमोशनल फीडबैक। तो ये क्या कहना चाहता है, ये बेसिकली कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए ये एक मेरा इमोशन था और मैं अभी रिसेंटली कुछ फील कर रहा हूँ, मान लीजिए इसे मान लेता हूँ इमोशन टू, तो जो मेरे इमोशन टू है इस पे इफेक्ट है मेरे इमोशन वन का। मान लीजिए अगर इमोशन वन बस इतना सा होता तो हो सकता है मेरा इमोशन टू भी इतना ही बनता। ये अपने आप में बेसिकली इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स नहीं है। अगर हम स्टॉक मार्केट को इसके थ्रू समझना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। मान लीजिए हम स्टॉक में कहीं ना कहीं यहाँ खड़े थे, यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा अपवर्ड मूव दिखा चुका है, लोगों को एक पॉजिटिविटी थी, मे बी अर्निंग्स कुछ अच्छी आई हो, कोई न्यूज़ अच्छी आई हो जिसके कारण ये स्टॉक ने बढ़ना स्टार्ट करा। अब जब स्टॉक ने बढ़ना स्टार्ट करा तो आपके प्रॉफिट्स बन गए, आपने कुछ दोस्तों को बताया एंड उसके बाद हो सकता है बाकी भी लोग हैं जो इसे देख रहे हैं, तो बाकी लोगों ने भी जब इसका प्राइस इंक्रीज होते देखा उसके मन में भी उनके मन में भी लालच आई एंड उन लोगों ने भी इसे खरीदना स्टार्ट करा एंड खरीदने की जो स्प्रिंट है वो बढ़ती गई जब तक इमोशन थ्री देखिए आप कितना बड़ा बन गया है, लाइक अ बबल एवरी वन वॉन्ट्स टू बाय। तो यहाँ पे ये बात हो जाती है कि हर कोई बंदा यहाँ पे इस पॉइंट पे आके खरीदना चाहता है तो इसलिए यहाँ पे बहुत बार बबल्स भी बन जाते हैं जब कोई भी चीज़ अपनी असली कीमत से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाती है कि वो लेवल सस्टेन नहीं हो सकता। अब मान लीजिए अगर मैं एक अपोजिट एग्जाम्पल लूँ कि यहाँ पे शेयर प्राइस थोड़ा सा गिरा था बट लोगों ने देखना स्टार्ट करा कि शेयर प्राइस तो गिर रहा है, तो जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स थी उन्होंने भी बेचना स्टार्ट करा, नए लोग खरीद नहीं रहे हैं तो एकदम से सेलिंग की स्प्री भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और स्टॉक मार्केट में प्राइसेस डाउन आ जाते हैं। तो जो हमने ऊपर बीच में एक बार थोड़ी सी डिस्कशन करी थी बबल की, तो बेसिकली क्या होता है इन इमोशंस के कारण एकदम से स्टॉक प्राइस का नीचे ले जाना इंसानों के इमोशंस के थ्रू या फिर एकदम से स्टॉक प्राइस का ऊपर आ जाना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स बना देता है मार्केट में। और इन एक्सट्रीम पॉइंट्स के थ्रू क्या होता है, बेसिकली चीज़ें बहुत बार अपनी सही जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे वो हो जाती है अंडर वैल्यूड एंड बहुत बार चीज़ों में बन जाता है एक बबल। तो एक मार्केट क्रैश या रैली जो बेसिकली मार्केट में कहते हैं, मार्केट का एकदम से ही ऊपर बढ़ना, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो सारे इमोशंस होते हैं आपस में इंटरकनेक्ट है। अगर आपने पोजीशन ली है स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो स्टॉक प्राइस को बाकी लोग भी देखेंगे और बाकी लोग भी खरीदना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से मार्केट में बहुत बार यूफोरिया बन जाता है, जैसे कभी कभार एक बार मैंने देखा था अडानी स्टॉक्स को
अडानी स्टॉक्स को लेकर बहुत ज़्यादा यूफोरिया था मार्केट के अंदर, बहुत ही अनाप शनाप वैल्यूएशंस लगा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन में आ गए थे कि ये तो बस अब इतने 2-3 साल से ऊपर जा रहा है, अब तो ऊपर 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 और ऊपर ही जाता जाएगा क्योंकि हमने लोगों को यहाँ से पैसे बनाते देखा है। बट ऐसा अक्सर नहीं होता, सिचुएशंस उल्टी पड़ जाती हैं। कभी भी एकदम से सिचुएशन उल्टी पड़ती है तो इमोशन में चेंज आएगा, फिर वापस ये सारा का सारा लूप स्टार्ट हो जाएगा छोटे इमोशन से बड़े इमोशन तक का। तो इस वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें यही था, हमने बहुत कुछ सीखा, हमारा ट्रेंड क्या होता है, इमोशंस कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी ट्रेड को, शॉर्ट टर्म पैटर्न, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, फ्रैक्टल नेचर क्या होता है स्टॉक मार्केट का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे साथ जुड़े रहिए, नई वीडियो भी टॉपिक्स पर आती ही रहेंगी एवरी वीक, एंड होप करता हूँ आपको ये कोर्स पसंद आए। धन्यवाद।